प्लांट्स हर समय खतरे में होते हैं। छोटे से बड़े हर्बीवोर से लेकर माइक्रोस्कोपिक फंगी और बैक्टीरिया प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। अब प्लांट्स के पास हमारे जैसे हाथ, पैर, दांत और इम्यून सिस्टम तो नहीं है जिससे वो खतरों का सामना कर सके। इसीलिए प्लांट्स को हमसे अलग तरीके के इंटरनल और एक्सटर्नल डिफेंसेस के साथ तैयार रहना पड़ता है। प्लांट्स का डिफेंस उनके सरफेस से शुरू होता है। ट्रीज का ट्रंक बार्क से कवर होकर रहता है। ये बार्क लिग्निन से बना है, जिसे चबाना और पैथोजेंस का इसके अंदर जाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी तरह से पत्ते भी वैक्सी क्यूटिकल की वजह से प्रोटेक्टेड रहते हैं। वैक्सी क्यूटिकल की वजह से इंसेक्ट्स और माइक्रोब्स आसानी से अंदर नहीं घुस पाते। कुछ प्लांट्स में अपने आप को बचाने के लिए पेनफुल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे थॉर्न, स्पाइन और प्रिकल प्लांट्स को बड़े हर्बीवोर से दूर रखते हैं। और छोटे पेस्ट से बचने के लिए प्लांट्स के पत्तों में शार्प हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें ट्राइकोम्स कहा जाता है। कुछ प्लांट्स में ये ट्राइकोम्स केमिकल इरिटेंट्स भी रिलीज करते हैं। नेटल प्लांट्स या स्टिंगिंग नेटल हिस्टामिन और अन्य टॉक्सिन रिलीज करता है, जिससे उन्हें छूने से बहुत दर्द और सूजन होता है। ऐसे भी कुछ प्लांट्स हैं जैसे स्पिनेच, कीवी फ्रूट और पाइनएप्पल, जिन्हें हर्बीवोर के पहले बाइट के बाद ही जोर से दर्द होता है, क्योंकि ये प्लांट्स माइक्रोस्कोपिक नीडल शेप के क्रिस्टल्स प्रोड्यूस करते हैं। इन क्रिस्टल्स को रेफाइट्स कहते हैं। ये जानवर के मुंह में छोटे घाव बना देते हैं। आपने टच मी नॉट प्लांट या मिमोसा प्लांट को तो जरूर देखा होगा। इन प्लांट्स ने ऐसी स्ट्रेटेजी डिजाइन की है जिससे जानवर बाइट ही ना कर सके। इन प्लांट्स को छूने से इनके पत्ते फोल्ड हो जाते हैं। ये मूवमेंट देखकर इंसेक्ट्स डर जाते हैं और सिकुड़े हुए पत्ते देखकर बड़े जानवर उसे खाते भी नहीं है। अगर कोई प्लांट्स के एक्सटर्नल डिफेंस को पार कर लेता है तो बारी आती है इंटरनल डिफेंस की। प्लांट्स के हर एक सेल के पास घुसपैठी को डिटेक्ट करने की और उनसे बचने की एबिलिटी होती है। बहुत सारे पैथोजेन को प्लांट्स के अंदर आने से रोकने के लिए वैक्सी क्यूटिकल मोटा हो जाता है और सेल वॉल्स भी और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। इसके साथ गार्ड सेल्स पोर्स को सील कर देते हैं, और अगर माइक्रोब्स प्लांट के एक सेक्शन को नष्ट करते हैं तब वहाँ के सेल्स सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं ताकि वे इन्फेक्शन को क्वारंटीन कर सके। इसके साथ प्लांट्स माइक्रोब्स और इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक कॉम्पाउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। ज़्यादातर प्लांट मॉलिक्यूल से हम मेडिसिन बनाते हैं, जो कि प्लांट्स के डिफेंस सिस्टम के पार्ट से ही बनते हैं। इन मॉलिक्यूल से मेडिसिन बनाने का ये फायदा है कि वे एंटीमाइक्रोबियल और इंसेक्टिसाइडल हैं। आप कमेंट्स में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह से साइंस वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।